परम आदरणीय प्रधानी सर, अनिल भाई, उत्तर भाई, अनु भाई, ब्रिजेश, मंत, यज्ञेश, सभी मेरे प्यारे अभिकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको आपने निश्चित ही हमारे इस अनुरोध को स्वीकारा है, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी दोस्तों से चाहूंगा कि एक दूसरे के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, मुझे थोड़ा ये बोला जा रहा है कि एजेंट एटीट्यूड की, मैं समझता हूँ सभी पास मोबाइल होगा, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा हाथ खड़ा करेगा, मोबाइल जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करेगा, यानी सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल निकालिए, सभी अपना अपना मोबाइल निकालिए क्विक फास्ट, और कोई भी आपका दोस्त अभी करता हूं जो नहीं आए आपके दोस्त हैं उनको एक बार कॉल कीजिए, दो मिनट कॉल कर लीजिए, दो मिनट का समय है, आप सभी लोग अपने अपने जो दोस्त नहीं आए कोई भी दोस्त अभी करता हूं उनको कॉल कीजिए, सबसे निवेदन एक प्रक्रिया करें, अपने अपने कोई भी एक मित्र को भंडारी सर प्लीज सर एक समय था आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल की शुरुआत हुई तो कभी कभी किसी के हाथ में मोबाइल देखा जाता था उसको ये बोला जाता था कि वाह अरे इतना बड़ा आदमी, और आज अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो ये बोला जाता है क्या ये कंगाल आदमी का इसके पास मोबाइल है, या बहुत बड़ा कि उसके पास 10-20 CA BA होगा उसी के पास मोबाइल नहीं रहता। आज के समय में तो ऐसा है लोग के पास एक मोबाइल नहीं, दो दो तीन तीन मोबाइल दोस्तों, लेकिन आज ठीक है हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, अच्छे की ओर जा रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ पे करना है अब मैं बता रहा हूँ, मोबाइल का उपयोग आपको कहाँ नहीं करना है। अब आप सब अपने मोबाइल को फोन लगाए थे काट दीजिए, फोन लगा नहीं लगा जितना बात हुआ काट दीजिए, और अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में रख दीजिए, सबके साथ निवेदन है। और ये देखिए एजेंट को कैसे रहना चाहिए, थोड़ा सा मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, लंबा है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 5-7 मिनट बोलूँगा। दोस्तों, जैसा हमको सिखाया जाता है बचपन में आपको मालूम होगा जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको ब्रश के लिए ब्रश करना सिखाते हैं, बेटा सो उठते हैं खाने से पहले ब्रश घिसा करते हैं, कभी कभी ब्रश नहीं घिसते हैं तो मार भी खाया करते थे, आज मैं बता रहा हूँ उस आदत को सीख गए तो आज बिना ब्रश किए कुछ भी नहीं आप नहीं खाना खा सकते, ये आदत में शामिल है। दोस्तों, मैं ठीक उसी प्रकार मोबाइल का अगर बढ़िया उपयोग करना है, कहीं आप अच्छे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप भागवत कथा ज्ञान सुन रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसे जगहों में मोबाइल को साइलेंट मूड में रखना ना भूले, वो आदत रहे। जैसे कि आदत हम बचपन में छोटे थे उस समय जूता चप्पल पहन के जाते थे मंदिर, तो हमको ये सिखाया गया है मंदिर में जब भी भगवान का दर्शन करें जूता चप्पल को बाहर रख के मंदिर में जाए, ये हमारे एटीट्यूड हमारी आदत है। ठीक उसी प्रकार आपका मोबाइल जहाँ अच्छा बीमा करने जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, जहाँ चार लोग रहे वहाँ मोबाइल साइलेंट करना ना भूले, ये आदत में रहे। और ये कैसा होता है, जैसे कि आप भागवत कथा ज्ञान में सब लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, कभी आपका मोबाइल बच जाए आपके बगल वाला आप कर रहे तो आपको कितना बुरा लगेगा, अच्छा कथा चल रहा है उसी समय में कोई बात करते रहे आपको बहुत बेकार लगता है, ये कैसा लगता है कि जैसे कि सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीता है उसको बहुत मजा आता है उसका धुआं, लेकिन बगल वाले को कितना खराब लगता है, ठीक उसी प्रकार ये मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है लेकिन कहाँ पे करना है कैसे करना है ये जरूर सीखिए। ये अभिकर्ता का ये जो हम लोग का ये मंच है, कुछ ना कुछ हर बार कुछ ना कुछ सीखेंगे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए आज से 20-25 साल पहले
आपको याद है आपके दादा जब सो उठते थे 6 बजे तो पहला काम क्या करते थे? वो पहला काम हो सकता है सोनाटा, सोनाटा की घड़ी रहता था, सोना घड़ी रहता था, उसमें चाबी दिया करते थे, याद होगा 25 साल पहले। वो याद है बड़ा वाला सलोरा टीवी जिसमें शटर लगा रहता था ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर 25 खड़ी छाता वाला एंटीना, नीचे बूस्टर, आपको याद है? याद है कि नहीं? अच्छा याद है, आपको टेलीफोन लगवाने के लिए 3-3 साल वेट करना पड़ता था, याद है कि नहीं? 25 साल पहले सांसद से रिकमेंड कराना पड़ता था। अच्छा बैंक में आपके पास पैसा है, 10,000 निकलवाना रहता तो 1 हफ्ते पहले एप्लीकेशन देना पड़ता था, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो चेतक स्कूटर याद है, वो डबल साइलेंसर वाला SD, याद है कि नहीं? 25 साल पहले 20 साल पहले की बात आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, याद है? अच्छा आज कैसा लग रहा है बताओ? मोबाइल कितने समय में, मैंने टेलीफोन की बात खत्म करो, कितने साल में मिलता? 3 साल वेटिंग था मेरे, 25 रुपये से याद है, मैं टेलीफोन के लिए एप्लीकेशन किया था, गैस सिलेंडर लिया था, तो इसमें सब चरण दास मंत्र समय सांसद हुआ करता था, उनके खाते से मैं लिया था गैस सिलेंडर। आज कितनी ईजी हो गई है, कितनी ईजी हो गई, कल्पना कीजिए आप। और उसके साथ साथ आज देखिए 1 सेकंड में यहीं से बैठे बैठे कहीं भी का क्या कर सकते हो। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ पे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये आपके ऊपर है। मिस यूज मत कीजिए, उपयोग जरूर कीजिए। दोस्तों जहां तक आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज से 20-25 साल बाद क्या होगा कल्पना कीजिए, 25 साल पहले क्या था, आज क्या है? देख रहे, खाना खाते खाते समय ज्यादा नहीं कम से कम 20 बार चैनल बदल सकते थे, और उस समय एक चैनल को सेट करने के लिए कम से कम 5-7 मिनट एंटीना को घुमाना पड़ता था, बूस्टर को छूना पड़ता था। एक जब रायन सिग्नल चलता था, टीवी लगा रहता था रायपुर स्टेशन में, रायपुर स्टेशन में 1 घंटा मेल रुक जाती थी, मेल रुक जाती थी 1 घंटा। आज लाइव क्रिकेट हो रहा है, चलते चलते कार में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, कितना परिवर्तन 20-25 साल। आज से 20-25 साल बाद क्या होगा कल्पना कीजिए। मैं समझता हूँ आपको ATM ये नेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके शरीर में चिप लगा रहेगा। आप अगर रायपुर जाना चाहते हैं, कौन सी क्लास में जाना चाहते हैं, AC में जाना चाहते हैं, स्लीपर में, जैसे घुसेंगे गेट पे सेंसर लगेगा, आपको चिप को रीड करेगा, और कहाँ उतरोगे, रायपुर उतरोगे, वो देख लेगा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ उतरे, आपके खुद से कट जाएगा। ऐसा दिन असंभव नहीं है, आने वाला है, ये आने वाला है, आएगा। और क्या क्या टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको अपडेट रखना पड़ेगा। LIC का काम कर रहे हैं, क्या नियम कानून परिवर्तन हुआ है, कहाँ पे कौन सा ATC में क्या परिवर्तन हुआ है, ये अपडेट रहना पड़ेगा, वही आगे बढ़ सकते हैं। मिसयूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, हम एक अभिकर्ता है, हमको कैसा रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, इसके ऊपर भी फेंकना पड़ता है। दोस्तों आप एकदम मन कैसे रहना है, साथी कपड़ा मैंने कैसे पास कैसे इंसेप्टा करेगा, क्या कोई आदमी आएगा। एक मैं आप लोग को एकदम घटना बता रहा हूँ, हम लोग 2 साल पहले अमरनाथ गए थे, एक हमारा दोस्त दाढ़ी बढ़वाया था, उसको हम लोग बोले कि आप ये दाढ़ी टाइप कमर पड़ा, थोड़ा शालीनता से रहो। 14 लोग थे हम, सबसे पूछते थे दाढ़ी वाले आप कहीं का, उसी को ना सामान कराने पूरा चेक कराते थे, वो एकदम खड़े रहते थे, और दिक्कत था थोड़ा सा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा, हम लोग 13 के पास पास बता देते, हम लोग कुछ नहीं पूछते, एक अकेले उसी के पास पूछता था, क्यों डाउट था। हम अभी करता है, एक अच्छे एजेंट हैं, हमको किस टाइप से रहना है, ज्यादा समय नहीं लगता तैयार होने में, दाढ़ी सेविंग बढ़िया रहना चाहिए, जूता ये नहीं चप्पल पहन के चले गए, ये सब बदलना पड़ेगा आपको। जो भाई आए हमको हमारी बात को नहीं माने, वो थोड़ा सा किस टाइप से गलत बोल रहे हैं ये समझे, कपड़ा लगता साफ होना चाहिए। एक कहाँ पे कैसे अभिकर्ता को एक चीज और मैं बोलूंगा कि अभिकर्ता जहाँ पे आप सबसे एक पिक्चर बताऊंगा, 16 समझाते हैं, उसमें अमजद खान बहुत हिट हुआ बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया, केवल प्रश्न पूछते थे, कितने आदमी थे, क्या ले क्या है, हिट हो गया बताओ, तो कोई उत्तर नहीं देते, बहुत कम शब्दों में प्रश्न पूछा करते।
दोस्तों क्योंकि ये लंबा पीरियड है मोबाइल के बारे में जरूर, और आने वाले मीटिंग हर महीना मीटिंग होना है, निश्चित रूप से आगे बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ है, ये टेलर है केवल, आने वाले समय में अच्छे मोटिवेटर बुलाएंगे। ये मेरा प्रामिस है, आप लोग आए हैं, निवेदन हमारा स्वीकार किए हैं, निश्चित रूप से हम आपको प्रामिस करते हैं कि आपका जब भी आएंगे व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित रूप से हम लोग संगठित होंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारे व्यवसाय में उन्नति होगी, मैं यही आपको उम्मीद और आशा दिलाता हूँ। धन्यवाद। आप बेफिक्र होकर काम करिए, लेकिन इतना गलत काम मत करिए कि सब कुछ गलत रहे। मतलब आटे में नमक तक सही है, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, और अभी साल से मैं समझता हूँ 20 साल से ऊपर एजेंसी वाले तो काफी लोग होंगे, 20 साल से ऊपर एजेंसी वाले काफी लोग होंगे मेरे का नहीं है, कम लोग हैं 20 साल से कम वाले बोल रहे हैं। चले कोई बात नहीं, बाकी आगे की योजनाएं आपको बताएंगे विजय भाई। इतने करके काम करता हूँ यहाँ एमडीआईटी करते हैं दोस्तों, तो ये मान लो कि ऑल इंडिया में हमसे बड़ा ब्रांच कोई नहीं रहेगा एमडीआईटी के मामले में, नया ब्रांच तो मध्य क्षेत्र नहीं पूरे इंडिया में जाना जाएगा, जैसे बिलासपुर डिवीजन को पूरे इंडिया में जाना है कि नंबर वन है, वैसी नया ब्रांच को हमको दिखाना है वहाँ केंद्रीय कार्यालय मुंबई में, नया का नाम मान दिखा पाँची इंक्यावन एमडीआईटी। दोस्तों एक तारीख की जो मीटिंग हुई थी हमारी वहाँ बोड़ी दला के पास मंदिर में, वहाँ आपने संकल्प लिया था कि इस साल अपने को 51 एमडीआईटी करना है। मैं आपसे दोस्तों ये जानना चाह रहा हूँ, ये बताइए कि एजेंसी को जिंदा रखने के लिए कितनी पॉलिसी चाहिए और कितना प्रीमियम चाहिए, कितनी चाहिए भैया? 6 पॉलिसी और 50,000। कितने लोग यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में जिनकी इनकम एजेंसी है खाली? लगभग बहुत सारे लोग हैं। क्या आप लोग 6 पॉलिसी और 50,000 प्रीमियम करके अपने घर को पा सकते हैं? हाँ आप तो दोस्तों नहीं पा सकते ना, तो आज से आप टारगेट बना लो 30 लाख प्रीमियम मिनिमम, अगर आपको चिंता लाना है तो 30 लाख प्रीमियम, 50,000 नहीं है खत्म हो गया, 30 लाख एफपी प्रीमियम आपकी एजेंसी बचाने के लिए है ये मान लो, और इस हिसाब से हमें काम करना है। आप 30 लाख प्रीमियम जैसे आप देते हैं मतलब आप एमडीआरडी क्वालिफाई कर लीजिए, और एमडीआरडी क्वालिफाई करना मतलब लगभग 9,40,000 रुपए आपका एमडी कमीशन आता है, और 9 लाख कमाने वाले मैं बताऊँ अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं होंगे। तो हम लोग जो फुल टाइम काम कर रहे हैं ये 6 पॉलिसी 50,000 क्यों रखते हैं दोस्तों? जैसे एमडी आप बीएम जेडएम सीएम डीएम ये सब क्लब हैं अपने को परफॉर्म करने के लिए, ये एमडीआरडी जैसे करते हैं आप 600 एमडी ग्रुप से बाहर निकल जाते हैं। आप ऑफिस में देखिए नैला सागर के सितारे इसकी ऐसा बोर्ड लगा हुआ है वहां, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा सम्मान मिलता है एमडीआरडी करने के बाद। एमडीआरडी एजेंट की वैल्यू एक अलग होती है, एक बात करके देखिए आप, मिशन 51 एमडीआरडी हमने रखा है तो ये हम पूरा करेंगे, आप करो या ना करो कोई ना कोई 51 एमडीआरडी करेगा, इस चीज को से मानो। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो एमडीआरडी करना चाहते हैं इस साल? गिर भी है भरोसा मेरा नाम लिख भाई, देखो जो एमडीआरडी करेगा उसकी सहयोग के लिए लिया भी है, ब्रांच है और सारे एजेंट है, आपको जहां पर कोई दिक्कत आएगी वहां पे हेल्प करने को तैयार है, आपका नाम स्पेशल जाएगा ब्रांच लेवल पे जहां आपकी समस्याओं को त्वरित उसको निर्णय लिया जाएगा। तो जो साथी एमडीआरडी करना चाहते हैं अपना नाम लिखवा देंगे और उनको ब्रांच से और लियापी की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। रही बात एमडीआरडी अपने कैसे करना है, एमडीआरडी करने के दोस्तों केवल दो तरीके हैं मेरे हिसाब से, या तो आप बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचिए 1,00,000, 2,50,000, 7 का प्लान बेचिए, या ज्यादा से ज्यादा बीमा कीजिए। दो तरीके, या तो पॉलिसी संख्या को बढ़ाना या बड़ा बीमा।
होता है तो मैं खुद को मेरी पॉलिसी कम होती है लेकिन फिर भी हम बड़ा होता है। अरे हमारे अशोक चंद्रा है, अब उनकी पॉलिसी ज़्यादा होती है उनकी। तो तरीका एक ही है कि आप तो आप बड़ी बड़ा आप बड़ा बड़ा पैक भेजो या आप अपनी पॉलिसी लिखा हुआ पढ़ा लो। इसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। आप पर डे कम से कम 5 से 10 लोगों को मिलिए। आप अगर एक दिन में एक पॉलिसी भी करते हैं तो मान लीजिए आपका एनडीआरटी हो ही गया। और एनडीआरटी करना कोई बड़ी चीज नहीं। आज के डेट में आपका मिनिमम बेंचमार्क एनडीआरटी होना ही चाहिए। यार मैं तो बाईपास करा के एनडीआरटी कर चुका हूं। मैं 4 महीने बेड रेस्ट में था और अगस्त में उठा हूं। अगस्त में काम करके नवंबर में एनडीआरटी कर लिया। मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत थी, खाने में दिक्कत थी, नमक नहीं खाना था, तेल नहीं खाना, मतलब पानी पी के पानी इंडिया। और इस साल भी इंडिया भी हो गया मेरा। मेरी गाड़ी है सिक्योरिटी करने की। तो जब एक बाईपास किया हुआ आदमी जो रोज का 10 दवाई खा रहा है, रोज को उसको खाने में उसको तेल नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, बाहर का खाना भी नहीं खाना है उसको, उसके बाद भी जब मैं इंडिया नहीं कर रहा हूँ तो आप तो नहीं कर सकते। एक बीमार आदमी के साथ स्वस्थ आदमी हो ना। तो मिनिमम 51 एमबीआरटी इसको यहाँ से करना है और आप सबको करना है। ये आप अपना बेस मार्क बना लीजिए एजेंसी को बचाने के लिए। 28 लाख 30 लाख रुपया आपको लाना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस साल 51 एमबीआरटी यस 51 एमबीआरटी धन्यवाद दोस्तों। बाकी मैं ओके ओके मैं बिस्तर भी बदलता हूँ, नींद में करवटे भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं परिवेश भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं परिवेश भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिए भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिए भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं तरीके भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं तरीके भी बदलता हूँ। मैं रफ्तार भी बदलता हूँ, मैं रफ्तार भी बदलता हूँ। कभी तेज कभी आहिस्ते बदलता हूँ। मैं रफ्तार भी बदलता हूँ, कभी तेज तो कभी आहिस्ते बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर मैं कुछ, बदलता नहीं अगर मैं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ। बदलता नहीं मैं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ। और उसे पाने का कभी पक्ष नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का कभी पक्ष नहीं बदलता हूँ। ये टोटल मेरा फीलिंग इसके अंदर है। आप मेरी समझ सकते हो, आप समझ जाओगे वो ठीक हो जाएगा तो हमको बहुत ताकत देगा। कुछ हमारे